हाँ चैप्टर फर्स्ट गुड। सो लेट अस जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड चैंट ओम करम थ्री टाइम्स। Hi Ram, I welcome you all, in this class today, and let us resume our chapter that is commotion and flame. So here I am going to present my screen. Okay. So Radhika will tell me. Yes, Radhika, what can you see on the screen? So your presentation. Presentation, right? Yes. So in the last class, we discussed about types of commotion. Anybody having any doubt regarding types of commotion? Any question? No, sir. No. No, sir. No, sir. Yes, beta. So now, next part is our flame. Okay, flame. Actually, we all are very much familiar. Suppose it is night. अभी रात हो जाए अचानक से और इलेक्ट्रिसिटी भी घर में ना हो तो क्या करेंगे हम? राधिका? We will use the candles. हाँ, टॉर्च वगैरह कुछ नहीं घर में है तो कैंडल जलाओगे या ऑयल लैंप जलाएंगे हम, है ना? इसमें ऑयल जलाते हैं जिसको हम लोग इधर गए घास में डिजाइन डाल करके और वो फ्लेम है ना वो जलाएंगे इस तरह से। और जब आप कैंडल जलाएंगे तो यू विल फाइंड दैट यू विल फाइंड अ फ्लेम इज देयर, है ना, विच इज गिविंग यू लाइट। एक्चुअली फ्लेम कब मिलेगा आपको? व्हेन एक्चुअली फ्लेम इज द रीजन इन विच गैसेस फॉर्म ऑफ द फ्यूल बर्न्स। फ्लेम तभी मिलेगा आपको जब उसमें गैस जलेगी। आज आप लोग एक काम करना, सभी लोग एक कैंडल लेना, ठीक है बेटा? कैंडल ले करके उसको टेबल पर फिक्स कर देना और फिर उसको मैचस्टिक जला करके उसको जलाने की कोशिश करना और ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, है ना? एक बार कैंडल जला देना, जल जाए फिर बुझा देना, इसके बाद थोड़ा ठंडा होने देना, फिर जलाने की कोशिश करना, है ना? बिगनिंग में जब कैंडल जलाते हैं ना तो लंबा होता है थ्रेड वगैरह तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा थोड़ा, या फिर जो कैंडल पहले से यूज हो चुकी हो एक दो बार उस कैंडल को जलाने की कोशिश करना और वेरी केयरफुली ऑब्जर्व करना। आप जैसे ही आप मैचस्टिक जला करके उसके विक के पास ले जाओगे, जानते हो ना बेटा कैंडल के बीच में एक धागा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? विक, WICK, राइट। जैसे आप विक के पास कैंडल बर्निंग मैचस्टिक ले जाओगे, ध्यान से देखना, सबसे पहले जो वैक्स है सॉलिड है वो पहले मेल्ट करेगा और मेल्ट करके वो जो वैक्स है लिक्विड वैक्स वो राइज करेगा, किसमें? विक में राइज करेगा और फिर वो हीट से वेपराइज करेगा और जो फ्लेम जलेगा उसमें वेपर ऑफ द वैक्स बर्न्स, विच फॉर्म ऑफ द फ्यूल? गैसेस फॉर्म ऑफ द फ्यूल। या तो फ्यूल खुद गैस हो, जैसे आप घर में LPG जलाते हो बेटा, जलाते हैं ना राधिका? यस सर। किचन में LPG गैस, मम्मा खाना बनाती है उस पर, तो आप जैसे ऑन करते हो और जैसे आप लाइटर से या मैच जलाकर देन एंड देयर बर्न्स इन द फ्लेम, क्योंकि वो ऑलरेडी गैस के फॉर्म में है। हाँ, लेकिन आप सिलेंडर को हिलाओगे ना, देखना है हिलाकर घर में सिलेंडर को हिलाना ऐसे करके, अगर सिलेंडर थोड़ा यूज हो गया उसमें पूरा भरा हुआ नहीं पता चलेगा, जो सिलेंडर थोड़ा यूज हो चुका है उसको हिलाकर देखना कैसा लगता है वो लिक्विड। हाँ, लगा तो पानी भरा हुआ इसके अंदर है, लेकिन जब हम उसका रेगुलेटर ऑन करते हैं और जब गैस हमारी स्टोव में आती है वहां पर इट इज इन विच फॉर्म? गैसेस फॉर्म। एक्चुअली LPG स्टोर्ड अंडर प्रेशर इन साइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर प्रेशर के अंडर रहती है और
आप पहले पढ़ चुके हो जो एलपीजी गैस है इट इज मेनली ब्यूटेन लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन बस मोस्टली ब्यूटेन C4H10 इट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन राइट ये गैस अंडर प्रेशर लिक्विड हो जाती है लेकिन जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है ये वापस गैस बन जाती है सो दैट गैस बन बेटा So flame is the zone of combustion of a combustible substance. Actually, which substance will burn with a flame? Underline substances which vaporize during burning produce flame. जो vaporize नहीं होगा वो कभी flame नहीं देगा बेटा अच्छा कभी देखा आपने अगर charcoal को जलाइए charcoal लकड़ी वाला charcoal right? तो क्या करता है वो बिगनिंग में थोड़ा सा फ्लेम देगा और बाद में सिर्फ ग्लो करेगा लाल लाल अंगारे देखेंगे लेकिन फ्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि व्हाटएवर द मटेरियल गैसेस मटेरियल जो था उसके अंदर वो वेपर बन के पहले जल चुका है अब वो है नहीं सिर्फ उसमें जो कार्बन है वो ग्लो कर रहा है आपका लेकिन आप लकड़ी को जलाइए आप पीस ऑफ वुड को जलाएंगे आप तो आप देखिए इट बर्न्स विद अ फ्लेम बिकॉज इन द वुड देयर आर सम मटेरियल which can vaporize, which can change into vapor very easily and that burns in a flame. The moment that vapor is finished, that material which vaporize on heating is finished, it will not burn the flame, it will only glow, sirf glow karega, chamkega beta. Theek hai? Kerosene, wax, these are the material which vaporize to form flame. And substances which do not vaporize, They do not produce flame. याद रखिए कोल चारकोल है ना शुरू में थोड़े से फ्लेम देगा बाद में नहीं देगा आपको Let's go ahead. Now see the structure of a candle flame. दिख रहा है बेटा Structure of a candle flame. है ना You can see there are three zones of a candle flame. ये देखिए candle आपने सबने देखा होगा ये wax पूरा है This is the wick. Can you see my cursor? Yes, sir. देख रहे बेटा ये है विक हमारा पूरे कैंडल के अंदर घुसा रहता है ये विक जो है ये जब हम कैंडल जलाते हैं सो व्हाट हैपेंस टू द विक डज द विक बर्न क्या विक भी जलता है साथ में नो सर नो बाय तो क्या होता है विक क्या जलती नहीं तो फिर छोटे क्यों होते हैं छोटी क्यों होती है वैक्स जलता है हाँ फ्लेम में वेपर ऑफ द वैक्स जलता है लेकिन जो जो विक है बेटा इसकी चेयरिंग होती है क्या होती है चेयरिंग है ना CHAR RRING चेयरिंग और चेयर्स द विक चेयर्स है ना चेयरिंग मींस इट इज नॉट बर्निंग बट बिकमिंग ब्लैक ठीक है बेटा ये सिर्फ इतना क्योंकि जो विक होती है इट इज सराउंडेड बाय हॉट वेपर बट ऑक्सीजन डज नॉट रीच हियर ऑक्सीजन जो जब हम कैंडल जलाते हैं तो आसपास की हवा जो वहां पर आती है वो गर्म होकर के ऊपर चले जाती है ड्यू टू कन्वेक्शन तो इस जोन के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है इट इज कॉल्ड इनर मोस्ट जोन इनर मोस्ट जोन इज ब्लैक व्हाइट इज ब्लैक आप देखना कैंडल जला के आज कैंडल के विक के आसपास के एरिया काला दिखेगा आपको यस सर यहाँ पर वैक्स तो होता है वेपर ऑफ द वैक्स इज प्रेजेंट बट इट डज नॉट बर्न सिर्फ इतना हॉट होता है इस वजह से विक की चेयरिंग होती है लेकिन इसके बीच का फ्लेम देखोगे तो दैट इज येलोइश फ्लेम होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस जोन क्योंकि इसी से लाइट मिलती है हमें देखने के लिए एंड यहाँ पर क्या होता है पार्शियल कम्बशन ऑफ द वेपर ऑफ द वैक्स टेक्स प्लेस पार्शियल नॉट कम्प्लीट कम्बशन इसलिए यहाँ पर फ्लेम येलो होता है और बीच बीच में देखोगे आप कैंडल फ्लेम जलेगा ना तो बीच में फ्लेम बढ़ गई फिर फ्लेम घट गई ऐसा लगेगा आपको और कभी कभी बीच में फ्लेम के साथ में देखना अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल रिलीज होती है क्योंकि कैंडल फ्लेम के ऊपर एक प्लेट या मेटल का पीस रखो उसके ऊपर तो क्या जमा होता है तो बताएगा राधिका कभी किया है आपने ऐसा
सर वो ब्लैक सा हो जाता है पूरा। हाँ ब्लैक ब्लैक डिपॉजिट होगा, आप देर तक रख के देखो, ब्लैक ब्लैक इट इज कॉल्ड सूट। क्या बोलते हैं उसको? सूट, SOOT, सूट, H मत लगा देना, सूट। ये सूट ब्लैक डिपॉजिट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कॉल्ड सूट। ये सूट से हम लोग बहुत चीज बनाते हैं, है ना, इस ऑल्सो कॉल्ड कार्बन ब्लैक। इससे हम काजल बनाते हैं, आप गांव में देखो काजल कैसे बनाते हैं, गांव में यस सर से ही सूट जमा करते हैं, फिर उसमें घी या जो भी तेल मिला करके, अच्छा बहुत जड़ी बूटियां मिलाते हैं वो, ऐसी बात नहीं है, और फिर उससे वो काजल बनाते हैं और आंखों में लगाते हैं। फिर इसी इसी कार्बन ब्लैक से, इसको सूट बोल रहे हैं हम लोग, ले करके बनाते हैं ब्लैक शू पॉलिश, जो काला काला शू पॉलिश आप करते हो, इसी का हम यूज करते हैं इन रबर इंडस्ट्री टू मेक रबर हार्ड, है ना, उसमें ब्लैक ब्लैक जो सूट होता है उसको डाल करके हम लोग कार्बन फिलर की तरह काम करता है, बहुत सारा यूज है इसका। लेकिन ये अनबर्न कार्बन है बेटा, ये जल नहीं पाता है क्योंकि ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाता है, और जो आउटर मोस्ट जोन है बिल्कुल, है ना, बाहर बाहर से देखोगे वहां पर आपको ब्लू फ्लेम दिखाई देगा, यहाँ पर देखना बिल्कुल बाहर बाहर की तरफ, ये दिस इज द आउटर मोस्ट जोन विच इज नॉन ल्यूमिनस जोन, क्योंकि ये लाइट हमको नहीं देता है, सिर्फ ब्लू फ्लेम देता है, और एयर कंप्लीट कम्बशन ऑफ द वेपर ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस, सो इट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट जोन एंड इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, है ना। सो देयर आर थ्री जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड आउटर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन इज ब्लैक, हियर अनबर्नड वेपर ऑफ द वैक्स इज प्रेजेंट विच डज नॉट बर्न because of the absence of oxygen. So that is why the wick chars here. The wick does not burn, it chars. और फिर बाद में ये black black उसका carbon deposit मिलता है. And middle zone is called luminous zone because this gives us light. इसी से light हमको मिलती है. This is yellow because incomplete combustion of the vapor of the wax takes place. Why? Because not insufficient oxygen is present here, not sufficient, insufficient. And outermost zone, which is called non-luminous zone, because it does not give us much light, उसमें दिखाई नहीं देगा। आप किचन में आप गैस स्टोव खाली जला दो तो क्या, और ब्लू फ्लेम जल रहा हो तो क्या किचन में लाइट हो जाती है क्या, दिखाई पड़ता है किचन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन उसी किचन में एक कैंडल फ्लेम जला दो तो उसका येलोइश फ्लेम की वजह से आपको कैंडल आसपास दिखाई देगा क्या है, कुछ कुछ दिखने लगेगा। यस सर दिखाई देगा। हाँ तो ब्लू फ्लेम को हम नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं बेटा, क्योंकि तो दिखता नहीं उसमें हमें ज्यादा, राइट। और यहाँ पर कंप्लीट कम्बशन होता है, और इसी जोन का यूज करते हैं कौन लोग, गोल्ड स्मिथ लोग करते हैं। कभी गोल्ड स्मिथ की दुकान में जाइए, जिससे आप पायल टूट जाती है, इयर रिंग्स वगैरह जुड़वाने जाते हैं आप, तो कैसे जोड़ता है वो, एक ग्लोअर होता है उसके पास में, ब्लोअर से और ऑक्सीजन पहुंचाता है अंदर, इससे इतना हॉट होता है कि आपका सिल्वर गोल्ड मेल्ट हो जाता है और वो आपकी रिपेयरिंग कर देता है। अभी मौका लगे तो उनकी दुकान में बैठ कर देखो, अगर वो ब्लोअर यूज कर रहे हो, है ना, तो उसका ठीक है बेटा। अगर हम चाहें तो एक स्मॉल वीडियो देख लें, है ना, देखते हैं उनको, तो देखो बेटा ये क्या चाहिए गिला रे, अभी स्कूल नहीं लग रहा है तो खाना मिलेगा, बच्चे आते हैं तो मिल जाता है खाना पीना। इस बेटे लोडिंग डेज, ओके 50% स्क्रीन दिख रहा है बेटा राधिका? यस सर, यस सर। हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो combustible substances. Flames. So what exactly is a flame? So hello friends. The
either a flame or a fire. So here we are going to talk about flames and how are flames different for different combustible substances. So what exactly is a flame? So it is a hot, glowing, ignited gas during combustion. Now, whenever the process of combustion happens, that is, the combustible substance reacts with oxygen, releasing a lot of heat and light. So, how is this heat and light released? It is released in the form of a flame. Now, this flame again differs from one object to another. So, if you look at a candle, so the first thing that comes to your mind when you think of a flame is that of the flame of a candle. So if you look at the flame, how does it look? It looks somewhat yellowish to orange in color. That's how it normally looks when you see it from far. So this is the visible gaseous part. It is actually gas. So do you think the flame is a solid or a liquid? No, it is all gas. So it is the ignited gas which becomes visible during combustion. So that is called flame. Now, if you look at the flames from different objects, that is the candle flame or the LPG flame or even the Bunsen burner flame. दिख रहा है बेटा ये देख LPG flame है ना आपने देखा होगा अपने घरों में राधिका yes sir बेटा और ये देखो Bunsen burner flame ये lab में दिखेगा आपको when you will come to the lab then you will see this Bunsen burner which we use है ना in the lab for burning okay let us go ahead. So, all of them, they look quite different from each other. So, if you look at the Bunsen burner flame, it is more bluish in color. You look at the candle flame, it is more yellowish or orangeish in color. हाँ बेटा याद रखो ये bluish flame कब मिलेगा हमें? खुद गैस है तो दिक्कत नहीं बेटा और अगर वो गैस नहीं है सॉलिड है या लिक्विड है तो पहले वो वेपराइज होकर गैस बनेगा और तब फ्लेम में जलेगा ठीक है वेरी गुड एंड व्हेन डू वी हैव येलोइश फ्लेम इनकम्प्लीट कंबशन व्हेन इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस इसका मतलब क्या हुआ व्हेन डज कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस रंजन और आदर्शा व्हेन डज कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस बेटा व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन वेरी गुड वेरी गुड एग्जैक्टली करेक्ट व्हेन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज देयर एंड व्हेनेवर कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट इज रिलीज बट व्हेन इनसफिशिएंट कंबशन टेक्स प्लेस ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन That is incomplete combustion हो रहा है तो उसमें हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि पॉइजनस गैस है प्लस हीट मिलेगी एंड लॉट्स ऑफ सूट विल बी फॉर्म अनबर्न कार्बन पार्टिकल भी निकलेगा आपको खूब सारा काला काला धुआं निकलेगा तो जहां भी अगर कोई जलाओ और काला काला धुआं बहुत सारा निकल रहा है इसका मतलब क्या समझोगे क्या हो रहा है वहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है कंप्लीट कंबशन हो रहा है ना कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है इसलिए हो रहा है और ऐसे माहौल में हमें रहना भी नहीं चाहिए बेटा पता है ये हमारे गांव में जाओगे ना तो जाड़े के दिनों में कई लोग क्या करते हैं वो अर्दन पॉट रखते हैं उसमें फायर जला के और घर के अंदर अपने रूम बंद कर लेते हैं खिड़कियां बंद कर दरवाजे बंद कर लेते हैं चलो ठंडी हवा नहीं आएगी तो हम अच्छे से रहेंगे और वो बर्निंग है ना मटेरियल को बर्निंग क्या करते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट वगैरह नहीं होता बेटा काउ डंग केक ड्राई ये सब को भर देते हैं उसमें उस पॉट में और थोड़ा सा आग जला देते हैं और फिर उसको लेकर के अंदर चले जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे जलता है चूंकि आपने क्या कर रखा है खिड़की बंद दरवाजा बंद तो क्या ऑक्सीजन पहुंच पाएगा रूम में पूरा नहीं पहुंच पाएगा बेटा व्हाट हैपेंस these burns incomplete combustion and carbon monoxide gas is coming out and the person is inhaling that carbon monoxide and you all know when we inhale abhi inhale karte hai na to carbon monoxide jab combine karta hai hemoglobin se to ye banata hai stable carboxy hemoglobin jo break nahi hota carbon dioxide aur hemoglobin mein ki lungs na ke separate ho jayega So what happens? Slowly and gradually, hemoglobin जो bind हो गया वो free हो ही नहीं रहा नॉर्मल ब्रीदिंग जब करते हैं बेटा पता है आपने सेवेंथ पढ़ा होगा हाउ डू वी ब्रीद इन
जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर जाती है एंड लंग्स में जाती है और एल्वियोला में, एल्वियोला के पास जाकर के ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में, और ब्लड का जो हेमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन है ये कंबाइन होकर बनाता है अनस्टेबल ऑक्सी हेमोग्लोबिन, है ना, HbO2। और फिर इस तरह से पूरे ब्लड से होता हुआ कहाँ जाती है, हर सेल में जाती है, और वहाँ ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है और वो ऑक्सीजन यूज होती है इन द बर्निंग ऑफ द फूड, जो आपने खाना खाया है उसमें से रिलीज ऑफ द एनर्जी, एंड एट दैट टाइम CO2 गैस इज रिलीज, दैट कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बाइंड्स विद द हेमोग्लोबिन एंड अगेन फॉर्म्स एन अनस्टेबल कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन HbCO2, एंड इन दिस वे थ्रू द वेन्स इट कम्स टू द हार्ट, हार्ट पंप्स इट एंड इट कम्स टू द लंग्स, इन द लंग्स कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेमोग्लोबिन गेट सेपरेटेड, है ना, CO2 गैस कम्स आउट व्हेन वी इनहेल। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होती है बेटा तो इट फॉर्म्स स्टेबल कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जो टूट अलग होता ही नहीं है। इस तरह से हेमोग्लोबिन की मात्रा ब्लड में कम होती जाती है और हमारे बॉडी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो घटती जाती है, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सबसे पहले दिमाग को नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, द पर्सन बिकम्स फेंटेड, बेहोश हो जाता है, एंड कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है। कई बार अरे सुबह उठा नहीं हो, चलो दरवाजा खटखटाया नहीं खुल रहा, कुंडी तोड़ के दिखा रहे हो तो बेहोश पड़ा हुआ है, बाहर निकालते हैं, अगर उसने कम मात्रा में इनहेल किया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड तो बाहर मिलाने से जब ऑक्सीजन फ्रेश मिलती है तो जो हेमोग्लोबिन बचा हुआ है वो फिर अपना काम करती है, तो धीरे धीरे हमारा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उससे वो CO2 बाहर निकलता है हमारा, फिर वो आदमी कम से कम बच जाता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में लिखने के लिए, है ना, कभी भी बर्निंग कोल फायर लेकर के हमें क्लोज रूम में नहीं सोना चाहिए। वाई, आंसर दे दोगे आप राधिका? yeah. है ना बेटा, ये ध्यान रखना है हमें। अच्छा, कई बार आप सिटीज में जाओ और आप ऑटो हायर करके, है ना, आप कहीं जाना है, मान लो पटना में आपको जाना है, गांधी मैदान घूमना जाना है आपको, और आपने पटना जंक्शन पे एक ऑटो लिया और ऑटो में बैठे, ऑटो थोड़ी देर चली और ट्रैफिक जैम में फंस गए, और ऑटो वाला भी अपना इंजन नहीं बंद कर रहा, बहुत सारे इंजन चालू रहते, आपने देखा होगा, पता नहीं कब रास्ते में ले निकल जाएंगे। तो कभी आपने देखा है आपकी आंखें जलने लगती है, है ना, फिर आपको थोड़ी थोड़ी हेडेक ना, सिर दुखने लगेगा और चक्कर आने लगेगा। yes, sir. और कभी कभी वॉमिटिंग जैसा लगेगा आपको, पता है ये सब किसका कारण है, इसका शैतानी कौन कर रहा है, ये इसके पीछे का शैतान कौन है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कई सारे ऑटो होते हैं बेटा, उनके जो इंजन में पेट्रोल कंप्लीट कमीशन नहीं हो पाता, एंड व्हेनेवर इनकम्प्लीट कमीशन टेक प्लेस कार्बन मोनोऑक्साइड गया, और हम बैठे रहते हैं चारों तरफ से धुआं आ रहा है, हम इनहेल करते जाते हैं, एक तो हैबिट होती नहीं है और उसकी वजह से आपको जी मिचलाएगा, उल्टी ऐसा लगेगा, सिर दर्द करेगा, सबसे पहले आंखों से पानी आने लगेगा, है लोग कहते हैं कच्चा धुआं ही है, कच्चा धुआं मतलब कई बार हम हमारे घर में इंजन चलाते हैं ना, डीजल इंजन जनरेटर के लिए, आज तो अच्छी बिजली आने लगी ना बेटा, पहले बिजली इतनी अच्छी आती नहीं थी, तो लोग शहर में अब दुकान तो चलानी, लोगों को बिजनेस तो करना है ना, तो सब लोग अपना जनरेटर चालू किया, कई बार जनरेटर से कच्चा धुआं निकलता था, इस वजह से क्योंकि इंजन मेंटेन कराते नहीं थे पैसे बचाने के चक्कर में। तो ये ध्यान रखो, जहाँ कहीं भी ऐसा लग रहा है चेक योरसेल्फ, है ना, ज़्यादा स्मोकी एनवायरमेंट में रहना अच्छा नहीं है। है वेरी गुड, आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब, फ्लेम से कैसा भी सवाल आए आप जवाब दे दोगे, फिर थोड़ा और पढ़ लें इसको, है ना। यस, यू लुक एट द एलपीजी फ्लेम अगेन, वेयर आल्सो गैस ओवन द फ्लेम, वेयर आल्सो इज लिटिल ब्लूइश कलर, सो द टाइम और द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम, द कलर ऑफ द फ्लेम इट वैरीज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। द क्वेश्चन इज, डू ऑल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस फ्लेम्स ड्यूरिंग बर्निंग? नाउ वी नो दैट कंबशन डजंट हैपन फॉर ऑल सब्सटेंसेस, but it happens for all combustible substances. Now, is it necessary that all combustible substances will produce flame when they undergo the process of combustion? Guru, the answer will be yes or no? Ranjal? No. No, sir. No, sir. No, sir. No. Two examples. No, sir. Very good.
So in case of candle, when you light the candle, when you bring a matchstick near the candle, it catches fire and you see flames. So when do you see flames? During combustion. So that means candle produce flames during the flame. So that means not all substances produce flames during combustion. So the question is, and naturally reverts to a gaseous state. Substances which vaporize during burning produce flames. इस बात को हम ध्यान में रखें बेटा, है ना? Let us come back to the PPT. Right? So we have learnt about that and the three candle part of the flame video we will see later on बेटा, है ना? Time चला आया था हमारे बहुत ज़्यादा वीडियो दिखाने में, है ना? दिक्कत हमें दें. चित्र कैंडल फ्लेम हमने देख लिया था, है ना? अब टाइप्स ऑफ फ्यूल्स देखें. फ्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स. दे आर सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसेस फ्यूल्स. यू ऑल नो वेरी वेल, है ना? देखिए, सॉलिड फ्यूल्स एग्रीकल्चरल वेस्ट, वुड, है ना? लिक्विड में आप ले सकते हो केरोसिन, गैसेस में सीएनजी, एलपीजी, राइट? कोल इज सॉलिड फ्यूल, राइट? नेक्स्ट इज calorific value of fuel. It's very very important beta. This is, remember, calorific value of a fuel. Ab hum different fuels are there and we burn them, and how much heat we are getting by burning, unit mass of that fuel. Isse pata chalega na hum kis fuel ko zyada use kare. The fuel which will give us more heat after burning a small amount, that we will prefer. So how will we decide that? It is decided by the calorific value or heat value bolte hain. So remember definition, the calorific value of fuel is the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel or unit mass of the fuel, है ना? एक टेबल है, बुक में भी दिया हुआ आपने, बुक से लिया हुआ है ये, है ना? बुक दिखाओगे आपको? आप बुक में देखना, अगर आप काउडंग केक जलाओगे तो इसकी क्लटर वैल्यू होती है 6000 to 8000 किलोजूल पर किलोग्राम. एक किलोग्राम काउडंग केक जलाने से 6000 किलो जूल से लेकर 8000 किलो जूल आपकी हीट एनर्जी मिलेगी. वुड जलाएंगे तो 17000 टू 20000 किलो जूल आपको टाइम मिलेगी. कितना जला रहे हैं हम? 1 किलोग्राम. कोल 25000 टू 30000. आप बोलोगे सर वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द डंग केक, क्वालिटी ऑफ वुड. अलग अलग वुड, अलग अलग टाइप ऑफ कोल हमारा है. बट पेट्रोल आइए, इस एक ही तरह क्वालिटी का होता है. पेट्रोल से आपको कितना मिलेगा? 45000 किलो जूल ऑफ हीट आफ्टर बर्निंग 1 किलोग्राम. केरोसिन भी 45000 देगा, डीजल भी 45000, मीथेन गैस 50000 किलो जूल, सीएनजी 50000 किलो जूल, एलपीजी 55000 किलो जूल पर किलोग्राम. अगर आपके घर में 1 किलोग्राम एलपीजी गैस जल जाएगी तो कितना हीट मिलेगा आपको राधिका? 55000. थाउजेंड वॉट? किलो जूल. किलो जूल एनर्जी. यूनिट बताना पड़ेगा ना बेटा, विदाउट यूनिट द इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, राइट बेटा? बायोगैस, इसकी भी क्वालिटी अलग अलग होता है. 35000 to 40000 मिलेगा. और हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूल्स. कितना है देखो इसका? 150000 किलो जूल पर किलोग्राम. 1 किलोग्राम हाइड्रोजन का जला देंगे 150000 किलो जूल ही मिलती है. इसीलिए हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है किसमें? रॉकेट में यूज होता है. लेकिन हम अपने घरों में इसको एज ए फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल यूज नहीं कर सकते. पता है क्यों? क्योंकि ये जलता है विथ एक्सप्लोजन, पॉप साउंड से जलता है, एंड इट यू कैनॉट हैंडल इट वेरी इजिली, है ना बेटा? इसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है. और ये इट डजंट बर्न, क्या कह सकते हैं उसको, कन्वीनियंटली एज एलपीजी गैस बर्न्स इन द स्टोव. ऐसा कोई स्टोव नहीं बना, कोई डिवाइस नहीं बना जिसमें हाइड्रोजन बड़े आसानी से जले, तो हम यूज कर सकते थे एज ए डोमेस्टिक फ्यूल. और हमारा खाना बनाने में जरा सी गैस में खाना बन गया होता हमारा. देखिए लिखा हुआ हाइड्रोजन है द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अमंग ऑल फ्यूल्स. अब इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा बेटा बनाने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू पे, है ना? न्यूमेरिकल्स करेंगे, बुक में दिखाएंगे आपको. बुक में क्वेश्चन दिया हुआ एक है, उसको हम करने कोशिश करेंगे. लास्ट पार्ट देखें, लास्ट में मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल. एक अच्छा फ्यूल हम किसको मानेंगे?
टाइम होगा तो बता देना बेटा, ठीक है। देखो ए गुड फ्यूल, जैसे बोलते हैं ना आइडियल टीचर, आइडियल स्टूडेंट, तो विच वन इज एन आइडियल फ्यूल, तो पहला होना चाहिए इट शुड बी रेडिली अवेलेबल। अब फ्यूल तो बड़ा अच्छा है, लाने के लिए हमको अमेरिका जाना पड़े, तो क्या उसको गुड फ्यूल बोलोगे राधिका? नो नो सर, मिल जाए हमें आसपास मिल जाए, इट चीप, इसे रखी पॉइंट में डाल देना, तब पॉइंट मत बनाना। सस्ता हो, पता चला काफी महंगा है, कौन खरीदेगा उसको? इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आसानी से स्टोर हम कर सके, ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाए, बर्न्स एट अ मॉडरेट रेट, और यू कैन से इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, बहुत फास्ट ना जले, बहुत स्लो भी ना जले, एक मॉडरेट रेट में जले, प्रोड्यूसेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मीन्स इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा हमारे लिए, डज नॉट लीव बिहाइंड रेसिड्यू, अनडिजायरेबल रेसिड्यू, इट शुड नॉट कॉज पोल्यूशन, सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। पहला हम अगर हम अपने हिसाब से पॉइंट बनाए, पहला बोलेंगे इट शुड हैव, हमेशा लगाएंगे ओके, हम कैशिंग ले रहे हैं, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू नंबर वन, अच्छा इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, नाइदर वेरी लो नॉर वेरी हाई, अगर बहुत लो होगा तो रखे रखे आग लग जाएगी, और बहुत हाई होगा तो जलाते जलाते आप थक जाओगे। जैसे देखो जब हम अपने घरों में पूछना बेटा, पहले अपने घरों में कोयला जला करें, खासकर जो वेस्ट बंगाल के हैं, जो झारखंड के हैं, कोयला, कोयले की चूल्हा होता है उसमें वो वाला कोल, रॉक रॉक वाला कोल जो हमने पढ़ा था चैप्टर में, उस कोल को जलाते हैं, लेकिन जलाने के लिए उसके लिए सबसे नीचे थोड़े से लकड़ी या काउडंग के क्रक केरोसिन तेल डाल के फिर उस ऊपर कोयला जला के फिर उसको जलाते हैं, उसकी हीट से कोयला पकड़ते हैं, हाँ एक बार पकड़ लिया आग तो फ्लेम पूरा मिलेगा, लेकिन कितना मुश्किल करना पड़ा जलाने के लिए, लेकिन आज एलपीजी जलाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको बताओ? सिर्फ एक स्पार्क चाहिए, नहीं लाइटर से स्पार्क जलाते हो आग जल जाती है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है बेटा, लेकिन बहुत भी लो नहीं है कि रखे रखे आग लग जाए, है ना, मॉडरेट है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। अच्छा मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं दे दूंगा दो फ्यूल दे दूंगा, फ्यूल ए फ्यूल बी, फ्यूल ए का देखो कैलोरीफिक वैल्यू, इग्निशन टेम्परेचर, और जलने के बाद क्या क्या गैस मिल रही है, रेसिडियू मिल रहा है कि नहीं, फ्यूल बी का भी दे दूंगा कैलोरीफिक वैल्यू, इग्निशन टेम्परेचर, एंड व्हाट आर द गैसेस रिलीज्ड, कैन यू डिसाइड व्हिच वन इज अ गुड फ्यूल आउट ऑफ दिस टू, कर लोगे ना बेटा? यस सर। हां डिसाइड कर लेना, यस सर, है ना, भले थोड़ी हीट कम मिले लेकिन इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट रिलीज मच हार्मफुल गैसेज आफ्टर कंबशन, बहुत रेसिड्यू ज्यादा ना मिले तो ज्यादा अच्छा है ना हमारे लिए। सो थर्ड वन, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इजी टू हैंडल एंड स्टोर, इट शुड बी चीपर, एंड नेक्स्ट वन, इट शुड नॉट रिलीज मच हार्मफुल गैसेज ऑन कंबशन और आफ्टर बर्निंग, एंड it should not leave much residue after burning. So these are some of the criteria of good fuel. Now we all know harmful effects on the environment due to burning of fuels. अभी हमने पूरा पढ़ा था कि कई बार complete combustion हुए तभी carbon dioxide निकल रही है, and when carbon dioxide gas increases, what happens? It is a greenhouse gas beta. So global warming it can cause. नहीं देखो दिया है, burning of most fuels release carbon dioxide gas which causes rise in the temperature of the atmosphere. This is called global warming. It causes melting of polar ice, rise in sea level and flooding of coastal area. अभी आने वाले 15 से 20 साल के अंदर अंदर बेटा अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का, मुंबई में है ना गेटवे ऑफ इंडिया? यस सर, यस सर, इंडिया गेट, यस सर, मुंबई में इंडिया, इंडिया गेट दिल्ली में है, हाँ गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो अभी आप जाएंगे वहाँ पर तो वहाँ पर कई लोग अब आप वहाँ पर घूम सकते हैं, चल सकते हैं, आपका मन है तो भेलपूरी खाइए, जो कुछ घूमिए फिरिए खेलिए कूदिए, लेकिन आने वाले समय में ये सारा एरिया मुंबई का फ्लडेड हो जाएगा, सी वाटर पूरे भर जाएगा, क्योंकि पोलर आइस मेल्ट होगा, सी लेवल राइज करेगा और कई सारे कंट्री जो होते हैं ना वो सब डूब जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, राइट? सो
दूसरा आपने पढ़ा था एसिड रेन, सेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि बर्निंग फ्यूल्स कई गैसे जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड अगर डिजॉल्व होगा रेन वाटर के साथ में तो देगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड देगा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड देगा कार्बोनिक एसिड, है ना। इस तरह से दीज आर फॉर्मिंग एसिड रेन ऑल्सो, सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट ऑल दी। अच्छा, कई बार इनकम्प्लीट कम्बशन होता है और हम इनहेल करते हैं, तो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, है ना। सो वी शुड बी यूजिंग दीज फ्यूल्स व्हेनेवर वी नीड इट, मच नीडेड। और प्लास्टिक को तो बिल्कुल नहीं जलाना है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। तो प्लास्टिक जलाते हैं, ये सब के साथ साथ एक फ्यूम्स निकलते हैं प्लास्टिक से, वो फ्यूम दिखती नहीं है, वो फ्यूम अगर हम इनहेल करते हैं तो दैट कैन कॉज कैंसर इवन, है ना। एक और देखें, हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक, बर्निंग ऑफ मैचेस, मैस्टिक कैसे जलती है ना। पहला जो मैस्टिक था वो बहुत ही खतरनाक था, कई बार आग लग जाती थी उससे। अभी का इसको बोलते हैं सेफ्टी मैस्टिक, देख लिखा रहता है सेफ्टी मैस्टिक लिखा रहता है उसके ऊपर में, रियली इट इज वेरी सेफ नाउडेज। अभी जो मैस्टिक है उसमें क्या होता है, द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच जो स्टिक होती है उसके हेड पे क्या क्या होता है याद कर लेना, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, दो केमिकल लगा होता है, ग्लू के साथ चिपकाया होता है हेड के ऊपर में, दिख रहा है इसके ऊपर में। द रबिंग सरफेस, और जो मैच बॉक्स के साइड में रबिंग सरफेस है इस पे होता है पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस होता है इसके ऊपर में, ठीक है। जब हम मैचस्टिक को घिसते हैं इसके ऊपर में, रगड़ते हैं, व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस सम रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट्स इनटू व्हाइट फॉस्फोरस, एंड यू ऑल नो व्हाइट फॉस्फोरस हैज वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, लोअर देन रूम टेम्परेचर बेटा, 30 yes, इसलिए तुरंत उसके बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन पढ़ाया था मैंने आपको, तो yes, वो कन्वर्ट होता है उसके चलते इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोरेट एंड प्रोड्यूसेस एनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कम्बशन, है ना। पुराने वाले के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमें बुक में जाना पड़ेगा, है ना। मैं चलता हूँ थोड़ा बुक में, ठीक है, कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा इसमें दादाजी। हाँ बेटा, एक मिनट, टाइम है ना अभी, हाँ अभी तो है, एनसीईआरटी क्लास ए चैप्टर नंबर 8 सिटीज। यस, कम्बशन एंड फ्लेम। हाँ बेटा देखना, आप एक बॉक्स में दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, इसको आप भी अच्छे से पढ़ लेना। ये देखिए मैच एंड द हिस्ट्री ऑफ द मैस्टिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, ये पूरा पढ़िएगा। ये प्रेजेंट वाला भी मैंने ये बताया आपको, उसके पहले वाले में अलग अलग था। सबसे पहले लोग तो सल्फर को ही एक लकड़ी पे जला के लगा के जलाते थे, पाइन वुड डिप्ड विद सल्फर, ये देखिए वो बहुत मुश्किल से जलता था। फिर बीच में ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड एंड व्हाइट फॉस्फोरस होता था जो कि बहुत जबरदस्त आग लग जाती थी उससे बेटा, इट वॉज नॉट सेफ। अभी सेफ हमारा है, राइट। अभी आप देखिए न्यूमेरिकल दिखाऊं मैं आपको, है ना, वी हैव चैप्टर कंप्लीट हमारा हो गया। ये देखिए यहाँ पर गोल्ड स्मिथ ऑयल मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, है ना, ये देखिए दे यूज गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप। और देखो यहाँ पर देखो, ये गोल्ड स्मिथ है ना, देखो डायग्राम दिख रहा है बेटा राधिका, यस सर। हाँ, आप कभी जाओ सोनार की दुकान में जाना और देखना करते हुए इसको, और फिर सवाल पूछना उनसे कि कैंडल से इतनी हीट कैसे प्रोड्यूस हो जाती है कि आपका सिल्वर गोल्ड मेल्ट हो जाता है, राइट। ये आउटर मोस्ट जोन का यूज करते हैं और उसमें और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वो ब्लोअर से यूज करते हैं, ब्लो करते हैं और भी ऑक्सीजन पहुंचता है वहां पर। और ब्लोअर भी रखने के लिए एक एंगल होता है, उनसे पूछना कि कहां पर रखते हैं वो ब्लोअर को, कहां से फूंक मारते हैं, वो मुंह से फूंक मारते हैं पर कौन से एरिया पर फूंक मारते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचती है और ब्लू फ्लेम मिलेगा। ये हटा दे, हाँ, जो जो फ्लेम आएगा ना भैया, अभी आप ये क्वेश्चन देखिए आप,
क्वेश्चन नंबर 11. इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल वाज कंप्लीटली बर्न. द हीट प्रोड्यूस वाज मेजर्ड टू बी 180,000 किलो जूल. कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. तो इसका आप क्वेश्चन नंबर मुझे पढ़ के बताना बेटा, है ना. तो इसको जब हम करते हैं देन हाउ डू वी डू इट, ध्यान से देखिए. हाँ, न्यू राइट. ये देखिए, सो हम फॉर्मूला होता है हमारा कैलोरीफिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई डब्ल्यू. क्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट इन किलो जूल एंड डब्ल्यू मीन्स मास ऑफ द फ्यूल बर्न. इसको किलोग्राम में रखेंगे, इसको किलो जूल में रखेंगे. तो अभी आप देखो कितना हीट निकला था उस क्वेश्चन में जो हमारा है. क्यू कितना दिया हुआ है, 180,000 किलो जूल, है ना बेटा, इतना है. और हाउ मच मास ऑफ द फ्यूल वॉज बर्न, 4.5 किलोग्राम. कई बार हम एग्जाम में देंगे तो इसको जूल में दे देंगे, इसको ग्राम में दे देंगे. आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आता है कन्वर्ट करने, 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल. ठीक है बेटा. यस सर. क्यू का वैल्यू है 180,000 और नीचे है 4.5. यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर किलोग्राम. अब देखिए इसका अगर हम डेसिमल हटाएं तो क्या होगा, 45/10 हो जाएगा. 45,000 है ना. तो ये जो हमारा है ये हो जाएगा 180,000 इंटू 10. 45/10 अगर करेंगे तो 45 डेसिमल हटा दिया मैंने, 45 आंसर होगा किलो जूल पर किलोग्राम. अब ये देखिए 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड हाउ मेनी जीरो, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम. ये आंसर हो जाएगा, है ना बेटा. तो ये आप प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन कैलोरीफिक वैल्यू. और अगर आप स्कूल के वेबसाइट पे जाओगे तो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उनको सॉल्व करना और जो डाउट होगा तो मुझसे पूछना. ठीक है. और भी देखें एक्सरसाइज में, और भी क्वेश्चन पढ़ के देखिए एक्सरसाइज में बेटा, है ना. अगर आपको डाउट होगा तो आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. अदरवाइज ये देखो एक्टिविटी मैंने करने के लिए कहा था, ये वाला एक्टिविटी नंबर 5 पेज नंबर 76. ये आप लोग जरूर करना बेटा घर में, ये वाला एक्टिविटी 5 1. यस सर. है ना. हाँ, यू विल एंजॉय. अच्छा, कई सारे को वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पर, देखो वेबसाइट दिया हुआ है, इनको खोलिए और पढ़िए क्या मेरा इन्फॉर्मेशन. कुछ नया लगा आपको शेयर विद मी, शेयर विद द होल क्लास. ठीक है. तो नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन आंसर सेशन. एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी गूगल मीट. या लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग. हाँ बेटा बोलो, एनी क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे, है ना. हाँ बोलो बेटा. सर, जब मतलब हम कैंडल को अपसाइड डाउन करके पकड़ते हैं तो उसका फ्लेम तो भी ऊपर की तरफ रहता है, क्यों? बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, है ना. यहाँ पर एयर हमारे पास है ना, वी हैव एयर अराउंड अस. तो जो बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन जो वेपर है जलने वाली, ये ऊपर होकर. और देखिए हमेशा शेप ऐसा क्यों होता है कैंडल का, फ्लेम का शेप हमेशा इस तरह से एयर ड्रॉप और वाटर ड्रॉप की तरह ही होता है ना, गोल नहीं होता आपका, है ना बेटा. तो कन्वेक्शन की वजह से जो एयर है वो उसको उठाकर इस तरह ले जाती है, हमेशा उल्टा करोगे तब भी ऊपर जाएगी फ्लेम, फ्लेम कभी नीचे नहीं रहेगी.
ठीक है, कन्वेक्शनल करंट इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप इसको जलाओगे और एयर बिल्कुल ना हो, कन्वेक्शन ना हो अगर, तो आपको परेशानी होती है। जैसे स्पेस में अगर हम फ्लेम को जलाएं और उसे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों मिला के जलाओगे, तो वहां पर आपको फ्लेम का शेप ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है सर, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब हाउ मच हीट इज रिलीज बाय बर्निंग यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल एफिशिएंसी हम डिसाइड करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू से। जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा, दैट फ्यूल इज हैविंग हाई एफिशिएंसी। ओके, सर मार्क्स? हाँ बेटा, मार्क्स किसका? मार्क्स डिस्क्रिप्टिव का, डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स स्लिप जमा कर दिया मैंने, एग्जाम सेल में जमा हो गया। मार्क्स स्लिप मेरे पास है नहीं, और अभी बताएंगे तो सबको मार्क्स पता चलेगा, ऐसा हमारे रूल नहीं है, है ना? तो आप वेट करो आपके मार्क्स किस सोर्स से जाएंगे, है ना, जो सबके लिए होगा वो हम भी अप्लाई करेंगे बेटा। बाकी आपकी कॉपी चेक हो गई सब कुछ, बट एक बात का ध्यान रखो बेटा, मतलब जैसे देखो, वी आर द टीचर, वी नो वेदर द आंसर इज योर और नॉट। आपके ओरिजिनल आंसर हमें पता चल जाते हैं, क्योंकि जो आप वर्ड चूज करते हो वो वर्ड हमें बताता है कि हाँ ये आपके वर्ड हैं। अगर हम नेट से खोल कर लिखते हैं ना, तो उसके वर्ड्स अलग होते हैं, वो हमें बता देते हैं। कुछ क्वेश्चंस में ऐसी शिकायत, मैं किसी एक का नाम नहीं याद भी नहीं रहता मुझे, है ना, कॉमन मैं बता रहा हूँ बेटा। ऐसा करने से कोई फायदा हमें नहीं होता। जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जितना आपको आ रहा है उतना लिखिए, और क्यों नहीं आया हमें इस प्रॉब्लम को दूर करना है, समझना है जब टीचर पढ़ा रहा है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम के बाद भी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। और ध्यान रखिए, क्वेश्चन में कई पार्ट होते हैं बेटा, आप कुछ पार्ट ही छोड़ देते हो। कई बच्चों ने क्या किया, वो फॉर्मेशन ऑफ कोल का था ना लास्ट क्वेश्चन था, टेंथ का बी था, उसमें क्या था लास्ट में लिखा हुआ, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। अब आपको लिखना है लास्ट में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, लिखा है सबने, मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन, क्या लिखा आपने वो बताओ। आदेशा कार्बोनाइजेशन, गुड, कार्बोनाइजेशन छोड़ दिया इसको। इसी तरह से एक इसमें तो कम लोगों का मिला, इसमें ज्यादा मिला हमको, नाइन्थ के बी में लिखा है लास्ट में, विच नेचुरल फेनोमेनन अकरिंग इन द स्काई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका आंसर आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। यस सर। क्या आंसर है? यस सर, लाइटिंग। लाइटिंग, स्पेलिंग गलत होगा, जीरो मार्क्स मिलेगा। बहुत लोगों ने लाइटिंग लिख दिया, किसी ने कुछ और ही लिख दिया, किसी ने ई भी लगा दिया, तो लाइटनिंग हल्का करना हो गया। लाइटन वर्ड है इंग्लिश का, लाइटन वो भी नहीं करना है। इंग्लिश में, साइंस में की वर्ड्स की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, नहीं तो जीरो मार्क्स मिलेगा। अब एक बच्चे ने मेरा नाम लिखा था सागर, और उसने स्पेलिंग लिखा था SUGAR, अब बोलो क्या पढ़ोगे उसको? शुगर, शुगर। मैं तो तालाब में जाऊंगा तो उसी में रह जाऊंगा डिजॉल्व होकर के, पूरा पानी ऑपरेट होगा तब मैं बाहर निकल कर आऊंगा, तब तक उसी में रहूंगा पड़ा हुआ, डिजॉल्व ही रह जाऊंगा। तो उसका भी ध्यान रखना बेटा आपको, है ना? और बाकी आपको अच्छा किया, है ना? राइट, मार्क्स तो जो है सही है, अच्छा है, गुड, है ना? पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, जितना हम लोग कर रहे हैं, और चूंकि हमारा ऑप्शन अभी है नहीं, ऑनलाइन ही क्लास पढ़ना है, ध्यान से थोड़ा मेहनत करो बेटा, और मुझसे क्वेश्चन पूछो, जैसा भी अध्यक्षा ने पूछा और किसी ने पूछा, ऐसे आस्क द क्वेश्चंस, है ना? सो विल यू डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस चैप्टर? यस सर, यस सर, है ना? और नोट्स अच्छे से बना लीजिए, डायग्राम सारे बनाइए, और कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। अगला क्लास शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस सर, इसमें स्टोरी टाइप का है पूरा, तो स्टोरी को मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है? पढ़ है ना? इसमें माधव जी,
और बच्चे ये सब घूमने जाते हैं, एंड पर्टिकुलरली आप लोगों में से कई लोगों ने घूमा होगा यहाँ पचमढ़ी, गए हो आप लोग? यस सर, यस सर। तो पचमढ़ी के बारे में जो लोग गए हैं पचमढ़ी, पचमढ़ी का एग्जांपल लेकर के पूरा बायोडायवर्सिटी एक्सप्लेन किया हुआ चैप्टर में है, है ना? Yes, जो लोग घूम गए ना उनको मजा आएगा, उनको नाम जब आएगा ना बीच बीच में तो उनको समझ में आएगा, अरे हाँ ये हमने देखा भी है। कोई बात नहीं, जो नहीं गए कोई बात नहीं, कभी आगे जाने का मौका मिले जरूर जाइए पचमढ़ी, है ना? ये भोपाल के पास ही तो है ना बेटा, कितना दूर है भोपाल से? यस सर। ओके बेटा, सो लेट अस कंक्लूड टुडेज क्लास बाय चैंटिंग ओंकार, हां शांति पाठ, सॉरी। शांति शांति शांति। हाय राम। वैसे कैंडल पे बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं आप, कैंडल फ्लेम से, है ना? यस सर, आप बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। साइरन सर।